गाइस फाइनली मैं इतने काम की वीडियो ना आपके लिए ले आई हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबके चाहती गीमा आशी। और भाई साहब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी ना इस वीडियो की कि विक्स का हॉल करो, विक्स फ्रॉम मीशो आर्टिफिशियल हेयर, ओ गॉड। और मैंने एक ऐसे वीडियो नहीं बनाई थी बल्कि मैं खुद एक काफ़ी बार कितने शूट्स पे, मतलब जो एथनिक बन बन बनाना होता है ना एथनिक ड्रेसेस पे, तो मैं यूज़ करती हूँ, ये कैटेगरी मुझसे मिस हो गई थी। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ, मतलब मैं पूरी की पूरी जितनी वेराइटी ऑफ विक्स थी ना मैंने वैसे सब ऑर्डर कर दिए हैं। और मैं पूरा प्रॉपर आपको लगा के दिखाऊंगी कितना उसका प्राइस है, क्या दिखाया है, क्या आया है, किस मटेरियल की बनी है, कैसे यूज़ करना है, और कलर शेड सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, और सारे के सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में टैग कर दूंगी, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए कि वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाके सर्च करना और वही आपको मिलेगा जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मेरे रिव्यूज़ बहुत ऑनेस्ट और बहुत जेन्युइन होंगे, जो अच्छा है अच्छा है, जो बेकार है बेकार है। और जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको तो ये चीज़ पता ही होगी। तो बाकी अभी मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से बस ऐसे छोटी सी बना के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे सारी विक्स ट्राई करके दिखानी है आप लोगों को, तो इग्नोर अभी का मेरा पूरा लुक और मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे बहुत टाइम से एक कैटेगरी मिस हो गई थी यार। चलो स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ सबसे पहली विक। और गाइज इसमें ना कोई प्राइस रेंज की कैटेगरी नहीं है कि इस प्राइस से यहाँ तक है, बहुत अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग उनके प्राइजेस थे, तो हर तरीके की विग होने वाली है। चलो दिखाती हूँ सबसे पहली विग। अब सबसे पहले विग मैं यही दिखा देती हूँ क्योंकि ये खुली हुई थी, आप पिक्चर में देख सकते हो। लड़की ने ना तीनों तरीके से स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सेकंड पिक्चर में लगा रही हूँ, इसमें देखो एक लड़की ने ना नीचे हाथ में पकड़ रखा है कि पूरा कैसे राउंड सी ये है। 203 रुपये की ये विग है। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप देखोगे ये ना बिल्कुल बस ऐसे स्ट्रेट इलास्टिक पे ना ऐसे हेयर लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी है ये। इसके बीच में टैग भी लगा हुआ है, पहले मैं ये निकालूँ। सी ये है और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, सी बहुत खिंच रही है। इसका जो कलर शेड है ना मैंने ब्राउन टाइप का मंगवाया, और इसकी हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक होता है जो बिल्कुल प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक बहुत ही ज़्यादा चीप लगते हैं, ऑल दो ये भी सिंथेटिक ही है, रियल तो होने से रहे क्योंकि रियल बहुत कॉस्टली आते हैं। मेरे पास एक ही रियल हेयर की विग है जो बहुत लंबी है, वो बहुत कॉस्टली थी, तो ये तो रियल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब इनको ना अलग अलग लगाने के तरीके हैं। अब देखो अगर आप इसको बीच में से कट कर दोगे ना तो ये दो बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे जैसे बन बनाती हैं ना लड़कियाँ, यहाँ पर ऐसे मैसी बन दो बनाती हैं, वेस्टर्न लुक में जाएगा, वेस्टर्न आउटफिट्स में जाएगा, तो आप वैसे बन बना सकते हो। नहीं तो आप इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, मैसी जूड़ा बना सकते हो, हाई हो लो हो कैसे भी हो। तो मैं फटाफट से एक रैंडम सा जूड़ा बना के दिखा रही हूँ आपको, ये कोई हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप समझ जाना। अगर आप चाहते हो एक अलग से हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ तो मैं वो भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ। देखो मैंने एक जूड़ा बनाया और उसके चारों तरफ मैंने इसको ऐसे लपेट दिया। सी कितना सिंपल है, जितना टाइट आपको लपेटना है लपेटो और ऐसे पिंस लगा लो, तो ये आपका देखो मैसी जूड़ा तुरंत तैयार है। आई नो मैंने इसको बहुत हाई बनाया, आप इसको लो भी बना सकते हो। और मैंने रबर बैंड जो यूज़ करा है काफ़ी बड़ा रबर बैंड यूज़ करा है, आप पतला रबर बैंड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा वैसे तो मेरे जो हेयर है ना एक नीचे वाली लेंथ उसका कलर पर्पल है, डीप पर्पल, लेकिन जो मेरे नेचुरल हेयर है ना वो काइंड ऑफ डार्क ब्राउन है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। एक तो इसका तरीका ये हो गया, और दूसरा गाइज मैंने बिल्कुल ही टेम्प्रेरी चोटी बनाई है, ठीक है, जिनके लंबे बाल होंगे उनकी लंबी चोटी बनेगी, और इसकी लेंथ बहुत लंबी है। अपने अकॉर्डिंग आप ले के ना इसको अपनी चोटी के अराउंड पूरा ऐसे लपेट के ना, वो जो मैसी चोटी नहीं चल रही है मैसी चोटी, वो बना सकते हो, क्योंकि क्या है ये मुझे बहुत लंबी है तो नीचे लटक रही हो, मेरे खुद के बाल बहुत छोटे हैं, ये बना सकते हो। और
एक बंदे की हेल्प की ज़रूरत होगी, जैसे आपने जिस जिस तरफ से गुथ किया है ना, आप इसको उसके अंदर से निकाल के पूरा अच्छे से गूथ लोगे ना, तो ये आपकी मैसी चोटी में भी ये लग जाएगा, तैयार हो जाएगा, बहुत सही लगेगा। बहुत अलग अलग तरीके का गाइस इसको यूज़ करने के मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। अगर आपको हेयर स्टाइल वाली वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बनाऊंगी, कमेंट्स में बता देना। तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत यूज़फुल है, 200 रुपये के हिसाब से आप एन नंबर ऑफ हेयर स्टाइल्स बना सकते हो इससे। ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया। नेक्स्ट दिखाती हूँ सेकेंड प्रोडक्ट, जो मतलब हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड मेरे हाथ में है, मैं क्योंकि रैंडमली उठा रही हूँ बॉक्स। गाइज ये है जूड़ा, ठीक है, एडवांस वॉल्यूमिनाइजर हेयर एक्सटेंशन 1 पीस। ये 150 रुपये का जूड़ा है, जैसा पिक्चर में दिखाया है ना एग्जैक्टली ये जूड़ा वैसे ही आया। आप देख सकते हो जूड़ा इधर से कैसा है, यहाँ से पूरा इलास्टिक है और अंदर से ये कैसा है। इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट मुझे लगता है कि बना के ही दिखाती हूँ आपको। आपने एक जूड़ा बनाया, ठीक है, ये आपका है जूड़ा और उसके ऊपर आप इसको ऐसा कवर पहना दो, आपको दिखेगा ये ऐसा कुछ लगेगा। उसके बाद जो ये एरिया दिख रहा है ना, इसको आप किसी गजरे से या किसी चीज़ से पूरा ऐसे कवर कर दोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आपने बस ये डिज़ाइन अपने हेयर में बनाया है, और ये बहुत अच्छा लगेगा 150 रुपये के हिसाब से। मम्मी वगैरह के लिए कभी जूड़ा वूड़ा बना होता है बहुत सही लगता है। और अगर मैंने मोटा रबर बैंड ना लगाया और जूड़ा मैंने इतना बड़ा ना बनाया हो, पतला वाला जूड़ा बनाया हो, उस पर ये लगाया हो, मतलब प्रॉपर सिक्योर कर गया, तो मैं टेम्प्रेरी बिल्कुल लगा के दिखा रही हूँ कि लगेगा कैसे। तो अभी वाले लुक पर बिल्कुल मत जाना, लेकिन मुझे बस समझाना है कि लगेगा कैसे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हो जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है, किधर कितनी स्टिचिंग है, बैक से कैसा है, लगने के बाद पूरा कैसा लगेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। और ये मेरे हेयर कलर से कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। आई नो इसमें ज़्यादा शाइन है, लेकिन इतना तो मिलेगा ही, लेकिन जब ये ऐसे जूड़ा में पीछे लग जाएगा ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। 150 रुपये के हिसाब से कुछ भी बुरा नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो बॉक्स है देखते हैं इसके अंदर है क्या। ओ गॉड, इतने लंबे, इतने कितने अच्छे लग रहे हैं देखो गाइज। ये ना पूरा हेयर बैंड के साथ पूरे लंबे बाल हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये 205 रुपये का मुझे मिला है, इसमें 3.8 रेटिंग है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, ट्रस्टेड थे, तो मैंने यहीं से मंगाया। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो हमारा बिल्कुल बेसिक ब्लैक वाला हेयर बैंड होता है ना, जो 5-10 रुपये का आता है, ये वही हेयर बैंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे गुद की चोटी बनी हुई है पहले बालों की, और उसके बाद ये पूरे के पूरे बाल अटैच है। तो आप इसको सिंपल जैसे हेयर बैंड वियर करते हैं ना, वैसे वियर कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो ये बिल्कुल जेट ब्लैक है, जैसे वो गोदरेज की हेयर डाई वाले बाल होते हैं ना वो, और मतलब अच्छी खासी डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है इसका, ठीक है। डेंसिटी वॉल्यूम मुझे सारी फिजिक्स में यहीं पढ़ा दूंगा आपको। देख सकते हो नीचे से भी कितने घने लग रहे हैं ये बाल। अब मैं इसको वियर करके दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं ये मेरे बालों से मैच करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको पूरा पहन के दिखाती हूँ। क्वालिटी वाइज ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक टाइप के नहीं लग रहे हैं। आई नो लाइट में ये चमक रहे होंगे, बहुत शाइन कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे देखने में ना नहीं पता चल रहा है। मतलब मैं सच बता रही हूँ कि अगर मैं ऐसे दूर से किसी को पहने हुए देख रही हूँ, तो एकदम एक झलक में नहीं पता चल रहा है कि एक्सटेंशंस हैं। बहुत पास से देखने में भी क्वालिटी काफ़ी सही है यार, 200 रुपये के हिसाब से बता रही हूँ, वरना तो बहुत चीप भी आते हैं। सो गाइज मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मेरे थोड़े तो लंबे बाल हैं, अब इसको कैसे लगाना है वो मैं थोड़ा फिगर आउट करती हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाला एक्सटेंशन लगेगा कैसे। ओ गॉड, इतना ज़्यादा मूवी बनाना है, इतना ज़्यादा मूवी बनाना है आपको इसको लगाने से पहले। और ये कुछ ऐसा लगेगा शायद, और पीछे लगाती हूँ थोड़ा गाइज ये मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि लग के लगेगी कैसे, क्योंकि साफ दिखेगा कि आपने यहाँ हेयर बैंड टांग रखा है, यहाँ आपके बाल है, लेकिन वैसे ठीक भी लग रही है। मैं खड़े होकर आपको दिखाती हूँ कि लगने कैसे वाली है। एक मिनट रुको, देखो सुरक्षित काले मेरे बाल, मीशो ने किया कमाल। देख सकते हो आप ये मेरे लंबे काले बाल कैसे लग रहे हैं। मैं सही से फ्लॉन्ट कर रही हूँ ना या नहीं कर रही हूँ ये भी बता देना। सोचो अगर मैंने बहुत तेज झटका और मेरा हेयर बैंड ही नीचे गिर गया, तो सारा राज खुल जाएगा कि मेरे बाल नकली हैं। बाकी मैंने पूरा लगा के इसलिए दिखा दिया कि आप समझ पाओ कि ये है कैसे, लगेगी कैसी, कितनी मतलब इसकी लेंथ है और कैसे लग रहे हैं ये। बाकी चॉइस आपकी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। गाइस पैकिंग तो बहुत अच्छी है इसकी,
गाइज, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ब्राउन बोनीटेल 367 रुपीस की ये क्लचर वाली है, जिसके थोड़े कर्ली हेयर है और नीचे से इस पे थोड़े से ऐसे वेव्स बने हुए हैं। गाइज, इसकी क्वालिटी माय गॉड, इतनी सुंदर लग रही है ना, मतलब इतने सॉफ्ट ये हेयर है ना, आप एक बार देखो नीचे से कितना अच्छा इसमें बाउंस आया हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राउन कलर के ये है, मैंने जानबूझ के ब्राउन मंगाया था। अब इसको लगाना कैसे होता है, यहीं पे क्लचर होता है, ऐसे क्लच कर लो आप, ठीक है, और आप इनको इजीली लगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मेरे हेयर से मैच नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा लाइट ब्राउन हो गए हैं ये, लेकिन मैं फिर भी इसको लगा के दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है। कि अगर आप देखो कितना ज़्यादा हेयर का इसमें वॉल्यूम है, काफ़ी वॉल्यूम वाले हेयर हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, फिर भी लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइज देखो, मैंने ना सिंपल चोटी बनाई है पतला वाला हेयर बैंड लगा के। अब इसको ना बिल्कुल क्लचर मैंने ओपन किया और अपने बिल्कुल उस चोटी पे ही लगा दिया, जो मेरी चोटी मैंने बनाई है ना उस पे, और उसके बाद आप देख सकते हो जिन लोगों के बाल बहुत छोटे होते हैं ना, जस्ट लाइक मेरी मम्मी, और वो बहुत परेशान रहती हैं कि चल मेकअप तो मैं कर लेती हूँ और मैं हेयर में कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाती, मैं कैसे डिफरेंट कुछ लुक दूँ, तो उनके लिए ये बेस्ट है। जैसे आप घर में थोड़ा सा बाउंस दे के, पफ दे के चोटी बना सकते हो, और उसके बाद आप सिर्फ यू चोटी पे क्लचर लगाना, बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हो। अब आई डोंट नो मेरे बाल खुद के लंबे हैं वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है। पूरा खड़े होकर दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा बाउंस है, ना आपको कर्ल करने ना कुछ करने है, आपको ऐसा मिल जाएगा। मैंने ना क्लचर में स्ट्रेट भी मंगाई है, काफ़ी लंबी, देखती हूँ वो अब नेक्स्ट कब आएगी, आगे कितनी देर में आती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी मेरे रियल बाल निकल रहे हैं क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, वरना जिनके बाल की लेंथ इतनी है तो देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जिनके बाल लंबे भी है ना, उसका भी एक हैक है कि वो चोटी बना के ना अपनी चोटी के बाल ऐसे नीचे क्लिप कर दे, फिर इसको लगा ले। सारे हैक तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, जैसे ऐसे करके थोड़ा सा क्लिप लगा ले, ठीक है, और उसके बाद क्लच लगा ले, तो आपके खुद के बाल नहीं दिखेंगे और सिर्फ यही दिखेगा। सही से लगा ले, अभी तो मैंने टेम्परेरी लगाया तो ऐसे लगेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये, मुझे थम्स अप, बहुत अच्छा है, ले लेना, जाके खुश हो जाओगे, और मेरे ही वाले लिंक से देना, आपको यही क्वालिटी मिलेगी। नाइस, नेक्स्ट दिखाती हूँ। लो, अभी मैं बात ही कर रही थी कि क्लचर में स्ट्रेट हेयर, वो ही है ये वाला, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये मुझे 182 रुपीस का पड़ा है। सेम पैटर्न है, बस इसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट हेयर का है, और इसमें क्या है ना, थोड़ा एज कम्पेयर टू वो लंबे हैं, लेकिन ना उतना डेंस नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत वॉल्यूम है, उससे कंपेयर करूँ तो कम है, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो बहुत सही है। आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक क्लचर में पूरा ऐसे कैसे पूरा लगे हुए हैं ये बाल। क्वालिटी यार, पहले ना बहुत ही चीप सिंथेटिक हेयर आते थे, जो अलग ही पता चलते थे कि बहुत ही बेकार है, लेकिन ये बहुत स्मूथ है, बिल्कुल ऐसे एक बारी को तो ऐसे लग रहा है रियल हेयर हो, किसी के कलर्ड रियल हेयर, और काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसके। मैं इसको भी लगा के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से अपने जो मेरे खुद के वाले हैं उनको क्लिप व्लिप लगा के तो दिखाती हूँ आपको कि लगेगा कैसा। अब मैंने उसी नॉर्मल चोटी में अपने थोड़े से बाल छुपाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने इसको लगा लिया, तो आप देख सकते हो बैक में ना ये कुछ ऐसा लगेगा लग के। इसकी आप लेंथ पूरी देखो, कहाँ तक की इसकी लेंथ है। लगाना इनको बहुत इजी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही लग रहा है। आप देख सकते हो लग के ऐसा लग रहा है, वो तो आपके ऊपर, आप कितना अच्छा इसको स्टाइल करना चाहते हो उतना अच्छा स्टाइल कर सकते हो। इसे तो मैंने ऐसे सिंपल खोल रखा है, आप चाहो तो गुत्थ बना लो, इसके ऊपर जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वो दूसरा हेयर एक्सटेंशन वो लगा लो, तो आप एन नंबर ऑफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। मुझे काफ़ी सही लगा ये रेट के अकॉर्डिंग, इजी टू रिमूव, अच्छा है काफ़ी, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा ये मैसी कर्ली डिश हेयर बना है, ये 83 रुपीज़ का है, ब्लैक कलर का है क्लचर के साथ, ये भी बिल्कुल जेट ब्लैक, मैंने मम्मी को सोच के मंगाया था ऐसे जूड़ा वाला। अब देखो मैं इसकी बात कर रही थी, आप इसके हेयर देखो कितने ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी फेक लग रहे हैं, मतलब ये वाले वो बाल की मैं बात कर रही थी। पहले ना ऐसे लंबे लंबे बालों के एक्सटेंशन आते थे जो कुछ कतई फेक लगते थे, ये सेम वही चीज़ आई है। है तो ये पूरा मैसी बन बनाया हुआ 83 रुपीस का है। अब क्या इस पे पीछे क्लचर है,
ठीक है, और ये जो यहाँ से खुला आपका एक क्लचर और जो भी आपका छोटा सा जूड़ा जूड़ी है उस पर ऐसे पहना दो और आपका मैसी सा बन बन के तैयार हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यार ये एक्स्ट्रा शाइनी है ना, कुछ ज़्यादा ही फेक लगता है। मतलब भाई माना कई लोगों के जेट ब्लैक बाल होते हैं, मेरी मम्मी के भी जेट ब्लैक हेयर है, लेकिन उस पर तो भी लगने के बाद बहुत चीप लग रहा है। ये बहुत फिनिशिंग से आया ही नहीं है कि इसके जो ये कर्ल्स हैं ये फिनिशिंग्स है। वो 83 रुपीस का है, माना सस्ता है, लेकिन लगने के बाद ये कुछ ऐसा लगने वाला है। ये मैंने रैंडम यहाँ लगा दिया और मुझे एकदम से ना वो लगाना याद आ रहा है, मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई। ये देखो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक ठाक है यार, कुछ लोगों को अगर वो नहीं होता था स्कूल में बच्चों को जूड़ा बनाना होता है और आपके बच्चों को इतने बाल नहीं हैं, तो आप ये ले सकते हो कि हाँ उसकी छोटी सी टुंगी सी चोटी में आपने ये लगा दिया, फिर चुन्नी वुन्नी रख ली और मोटा सा जूड़ा उसको मिल जाएगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वैसे पर्सनली अगर मैं देखूँ तो लाइक ये मेरी कॉल है कि मुझे पसंद नहीं, क्या पता आपको ये अच्छा लग रहा हो कि आपने ये जूड़ा बना रखा और उस पर ये लगा दिया और आप मेरे बालों को इग्नोर करो और आप जूड़ा देख सकते हो, ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक ही लग रहा है, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस जो नेक्स्ट है ना हमारे, वो एक्सटेंशन जिसका बहुत देर से वेट करोगे कि मैं कब दिखाऊंगी, कर्ली वेवी हेयर एक्सटेंशन, ठीक है। और इसमें ना हाइलाइट्स भी हो रखे हैं गोल्डन कलर के, और गाइस ये सिर्फ 187 रुपीस का है। देखते हैं ये कैसा आया, क्योंकि इसको 3.6 स्टार्स की रेटिंग भी मिली हुई है। ये ऐसे पैकेट में आया है, इसमें क्लिप ऑन्स हैं, ये क्लिप्स हैं, और ये कुछ इतने हेयर आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम है, थोड़े मतलब इसके डबल होने चाहिए थे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम है। इसको मैं फिर भी बहुत अच्छे से अपने फिंगर से ही ऐसे कॉम कर रही हूँ कि थोड़ा पता चल जाए कैसे हैं। और जिनके कुछ गोल्डन ऐसे हाइलाइट्स हैं, ब्रॉन्ज हाइलाइट है और क्या कहते हैं कुछ ऐसे हेयर है ना, उन पे ये मैच करेगा। मैंने एक प्लेन भी ब्राउन कलर का मंगाया है, लेकिन एक ऐसा भी मंगाया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे हाइलाइट्स, ये वाले हाइलाइट्स बहुत कॉमन होते हैं, तो मोस्टली लोगों के यही हाइलाइट्स होते हैं, तो वो इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका भी बताती हूँ, पहले ये सारे क्लिपॉन्स खोल लो आप, मैंने खोल लिए हैं, ठीक है। अब मैं अपने बालों में लगाऊंगी, गाइस कोई भी बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने ही बालों में लगा के दिखा रही हूँ। आज वॉश करना था लेकिन मैंने किए नहीं है, बालों की हालत बहुत बुरी हो रही है। इसको लगाने का एक तरीका, आपने अपने बालों में ऐसे क्राउन हेयर पूरे ले लिए और उसको आपने क्लच कर लिया, उसके बाद ना पीछे ना आप कैसे मांग सी निकल जाएगी, ठीक है। उस पर बस आपको ये पकड़ना है, बैक ले जाना है और ऐसे क्लिप्स अटका के क्लिप कर देना है। सी पूरा क्लिप कर दिया और ये कुछ ऐसे लगेंगे। और जब खुद के बाल है ना, इसको आप खोल देना। अब क्या है, मैं अगर अपने बाल खोल दूंगी तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट एंड पर्पल है, वो मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो बहुत अजीब से ये एक्सटेंशंस लगेंगे। लेकिन आप समझ जाना, जिनके सेम कलर के बाल होंगे तो उनके साथ ये कैसे लगने वाले हैं। और मेरे बाल भी लंबे होंगे, एक्सटेंशंस दिख ही नहीं रहे होंगे, मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसे लगेंगे। तो कलर मैच होना बहुत ज़रूरी है, तो ये वैसे तो अच्छे हैं, जिनके सेम हेयर है वो देख लेना। अब मैं दिखाती हूँ ब्राउन कलर वाले कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट जो है मैं बताई थी ब्राउन कलर के, वो हैं ये वाले वेवी कर्ली हेयर एक्सटेंशंस। ये 195 रुपीस के हैं, जैसा लड़की ने हाथ में पकड़ रखा है गाइज, ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही हैं। देखो हल्के से वेवी टेक्सचर में आपको हेयर मिलेंगे, लेकिन ना मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है, डबल क्वान्टिटी होती ना इनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इस रेट में आपको मिल रहे हैं। हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्मूथ टेक्सचर के हेयर हैं, ट्रस्ट में बिल्कुल रियल लग रहे हैं। नीचे से आप देख सकते हो कितना इनमें बाउंस है। अब अगेन इसको लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ से आपने अपने बाल उठाए और उसके बाद क्लिप ऑन कर दिया। अब मेरे बालों में तो गाइस बिल्कुल पता तो चल ही नहीं रहा है, तो मैं ना टेम्प्रेरी ऊपर से ही क्लिप ऑन करके आपको दिखा रही हूँ कि ये लगेंगे कैसे। आप देख सकते हो कुछ ऐसे लगेंगे। अब मेरे बाल वगैरह बहुत बड़े हैं तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब आप देखो ये कितने ब्यूटीफुली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूर से देखे ना कि मेरे बालों के साथ कितना अच्छे से मर्ज हुए हैं। जिनके ब्राउन कलर के हेयर हैं जस्ट लाइक मी, बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे कि अगर आपने कुछ ऐसे स्टाइल भी बनाया है ना इनको ले के ऐसे घुमा घुमा के, तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब वो आप ही के ऊपर है कि आप इन एक्सटेंशन से कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये 195 रुपीज़ के हिसाब से, कि आपके हेयर में थोड़ा सा और बाउंस आ जाएगा।
मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिनके हेयर मतलब जिनकी लेंथ छोटी है ना, मेरे हेयर से जिनकी लेंथ छोटी है, वो देख सकते हैं कि मेरे हेयर कहाँ तक आ रहे हैं और वो ये बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी गर्ल्स स्कूल वगैरह में काफ़ी कुछ ये सब फंक्शंस चलते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है ये विग्स, आप लगा सकते हो। और 195 रुपीज़ के हिसाब से इतनी महंगी नहीं है, जो आपको क्वालिटी मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी रिबन पोनीटेल हेयर है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मैंने लिटरली इंस्टाग्राम पे काफ़ी लड़कियों को इसको लगाते हुए देखा है। ये 187 रुपीज़ की बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की है। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये पूरे ऐसे पैकेट में आई हैं और काफ़ी लॉन्ग है गाइस, इतने सुंदर लग रहे हैं ना ये हेयर, एक बार आप देखो ये कितने ज़्यादा सुंदर सिल्की घोड़े की पूंछ जैसे ये बाल लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं ना, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रियल हेयर हो और अभी अभी कैरेटिन कराया हो, इतने सिल्की स्मूथ स्ट्रेट ये हेयर। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ना ऐसे ये पैच सा बना हुआ है एंड दिस इज रिबन। अब आपको मैं आपको बताती हूँ कि ये पोनीटेल में कैसे वर्क करेगा। गाइस मैंने पोनीटेल बना ली है और बहुत पतला वाला रबर बैंड यूज़ करा है। इसमें आपको यहाँ पे एक ज़रा से ये ऐसे कुछ कॉम टाइप की क्लिप दिखेगी कॉम दिखेगी जो भी है, इसको ना आपको ऐसे अटका लेना है अपनी चोटी में और उसके बाद ये रिबन दोनों तरफ से बांध देना है। लेट्स ट्राई। मैं मिरर आगे रखूं क्योंकि मुझे खुद भी देखना है, मैं ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। ये है, इसको आपने किया यहाँ अंदर, ठीक है, और जो ये है ना रिबन, इसको मैंने किया नीचे और अब यहाँ पर रिबन आपको बांध देना है। गाइज देखो मैंने वो पूरा रिबन ना ऊपर ऐसे बांध भी दिया क्योंकि आजकल रिबन वाला काफ़ी ट्रेंड चल रहा है ना, उसके बाद आप ये चोटी की लेंथ देख सकते हो। आई नो मेरे बहुत हेयर ऐसे ऐसे बिखर रहे होंगे, लेकिन उसको इग्नोर करके अगर आप देखोगे ना ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिनके बाल कसम से बहुत छोटे हैं, लाइक इतने छोटे, उनको मैंने ये वेयर करते हुए देखा है, कुछ पर्टिकुलर गाउन कुछ ड्रेसेस के साथ वो इतनी लंबी चोटी बनाते हैं, बहुत हाई चोटी बनाते हैं, मैंने तो अभी उतनी हाई बनाई नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। आपके ऊपर आप इसको कैसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बहुत स्मूथ इसके हेयर है, मुझे काफ़ी पसंद आए। आई होप ये मेरे हेयर पर भी, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें मेरे हेयर इतने ज़्यादा दिख रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे मर्ज कर गए हैं और ये मेरे ही बाल हो और मैंने बहुत हाई पोनी बनाई हो, बहुत सुंदर लग रहा है, इतने भारी भी नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं यार ये तो मैंने अभी देखा, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी स्मूथ है, ये मुझे काफ़ी पसंद है, लाइक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये। नाइस, थम्स अप फॉर दिस वन। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा ये रबर बैंड वाला जूड़ा बना है, 97 रुपीज़ का, पिक्चर में देख सकते हो, मैंने ब्राउन कलर का मंगाया था, एग्जैक्टली सेम ये वैसा ही आया है, बिल्कुल देख सकते हो रबर बैंड में ये पूरे ऐसे ना हेयर लगे हुए हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल जूड़ा बनाओ और अब बस इसको ऐसे पहना दो और ये हो जाएगा आपका जूड़ा बिल्कुल तैयार। मैंने तो चोटी पे ही बना के आपको दिखा दिया और काफ़ी अच्छा 97 रुपीज़ का, आप इसको ले सकते हो आँख बंद करके क्योंकि ये काफ़ी क्यूट है। ठीक है गाइस, तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट हमारी ये वाली चोटी है, ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे पैटर्न भी मिलेंगे जूड़े के साथ चोटी लटकी हुई, ये 188 रुपीज़ की है। ये चोटी उन लोग के काम आएगी जिनके हेयर सच में इतने छोटे हैं कि उसमें कुछ एक्सटेंशंस नहीं लग सकते, तो वो छोटी सी चोटी बना के उसमें इसको पहना देंगे और कुछ जूड़ा वूड़ा लगा के कवर कर देंगे एंड दिस पूरी अच्छे से बनी हुई ये चोटी है। इसमें आप देख सकते हो बीट्स वगैरह सब कुछ लगी हुई है, नीचे हेयर भी देख सकते हो कितने ज़्यादा रफ है क्योंकि इसको खोलना तो है ही नहीं कभी भी क्योंकि बनी हुई चोटी तो बिल्कुल असली हेयर ये लगी रहे। इसको मैं ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ और ये जो नीचे से ख़राब हुई है ना ये इसी रीज़न से ख़राब हुई कि जो मैंने आउटफिट पहना था ना उसकी ज्वेलरी की वजह से लग लग के ना इसके थोड़े ये हेयर ऐसे निकल गए, वरना तो ये बिल्कुल अच्छी चोटी थी। जैसे आप ऊपर से देख रहे हो ना, जैसे आप ऊपर से आपको ये दिख रही है ना इतनी प्लेन, ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छी चोटी है। 200 रुपये की मुझे बहुत सही लगी। काफ़ी बार कुछ भरतनाट्यम वगैरह डांस में क्या होता है, जूड़ा भी बनाना होता है एंड चोटी भी चाहिए होती है, तो आप अपने असली बालों का तो जूड़ा बना लो और उसमें ये पहना के ऐसी चोटी भी आप निकाल सकते हो, तो जूड़ा भी चोटी भी तो बहुत अच्छे से मैंने इसको यूज़ किया था। ये काफ़ी अच्छी है, इसको मैंने मीशो से ही लिया था, मुझे टाइम हो गया इसको लिए हुए, लेकिन अगर मैं ये हॉल बनाई थी तो मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, ये मैंने 220 रुपये का परांदा भी मंगाया था, ये मैं इसी वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये परांदा जैसा पिक्चर में देख रहे हो एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया था, लेंथ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा लंबा और अच्छा था। आप ये देख सकते हो कि इसकी ये वाली चीज़ भी कितनी लंबी, उसके बाद ये जो थे ऐसे टेसल भी इसके बहुत बड़े थे, ये काफ़ी मुझे पसंद आया था,
तो मैंने सोचा जब मैं दिखा ही रही हूँ तो ये परांदा भी दिखा दूँ। काफ़ी सुंदर था ना, क्योंकि ये चीज़ ना इतनी जल्दी मिलती नहीं है। काफ़ी सुंदर यार, जो पंजाब इधर साइड के लोग होंगे उनके यहाँ तो भाई ये तो इतनी ज़्यादा सुंदर मिलती है, कुछ कह नहीं सकते। मेरे यहाँ लोकल स्टोर पे ना इतनी सुंदर नहीं मिलती, और ऑनलाइन भी ना इतनी वैरायटी नहीं मिल रही थी। तो एक तो मैंने ये मंगा लिया था मीशो से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, 220 रुपये का। और एक मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, वो भी मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, लेकिन उसका लिंक विंक अमेज़ॉन का ही होगा, तो आप वो देख लेना। पिक्चर में देखो, ये है वो परांदा, ब्लैक कलर का है, इसमें गोल्डन गोटा पट्टी भी लिपटी हुई है, और क्या कहते हैं नीचे जो टैसल है वो गोल्डन कलर के हैं। इसको भी मैं वियर कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं सेपरेटली तो कभी दिखाना होता ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखो तीनों जो चोटियाँ हैं इसमें पूरा आपको गोटा पट्टी लगी हुई है, और जो नीचे है वो देखो ये कितना सुंदर है, स्टार भी लगा हुआ है, इसके टैसल्स पूरे ऐसे गोल्डन कलर के हैं। ये मैंने वियर भी किया था एक बार, जब पूरा पंजाबी आउटफिट बनाया था तो मैंने उसमें यही लगाया था। काफ़ी सुंदर लगती है, चोटी प्लेन नहीं लगती। तो ये भी 200 ही रुपये का पड़ा था, हाँ ये भी 200 का था, अमेज़ॉन से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है। अब मैं आप दो हेयर विग दिखाती हूँ जिसमें मेरे साथ हुआ है फ्रॉड। मतलब मैंने मीशो से मंगाई थी, मंगाई कुछ थी आई कुछ है, बड़ा कन्फ्यूजन हुआ मुझे देख के कि ये तो मैंने मंगाया नहीं, फिर पूरा फिगर आउट किया कि फ्रॉड हुआ है। गाइस पहले आप ये पिक्चर में देखो, 5 क्लिप 24 इंच सिंथेटिक स्ट्रेट हेयर ब्राउन कलर के, ये ब्राउन कलर के स्ट्रेट हेयर में क्लिप थी, ठीक है, जो 200 रुपये की है, ये मुझे रिसीव नहीं हुई। दूसरी आप ये देखो, वुमेन हेयर नेचुरल लॉन्ग फ्रंट हेयर फ्रिंज वाले मैंने मंगाए थे, ये 665 के थे। मतलब मैंने यार 600 रुपये का एक ट्रायल लेके देखा कि क्या पता इतना महंगा वाला क्या आएगा। ये पूरा डमी में आप वियर कर, डमी ने वियर किया हुआ, आप देखो पूरा फ्रिंज पूरे बाल सब कुछ ऐसे थे। ये दोनों, इन दोनों ने किया है फ्रॉड, और इन दोनों ने दुनिया के हटके ही कुछ अलग एक्सटेंशन मुझे भेज दिए हैं, क्योंकि मैंने छुए ये दोनों क्लचर वाले हैं, अब उसमें तो क्लचर है ही नहीं, तो उन्होंने क्लचर वाले हेयर एक्सटेंशन भेज दिए हैं। अब देखो क्या भेजा है इन्होंने, वही बिल्कुल सीधे बाल, और नीचे पता नहीं ये उलझ इतने रहे हैं यहाँ पे, ये क्लचर वाले, ये स्ट्रेट हेयर इन्होंने मुझे भेज दिया है। एक इन्होंने ये भेजा, और दूसरा जो इन्होंने भेजा है ये देखो, मंगाया क्या था आया क्या है। इसमें ना इन्होंने ब्राउनिश रेडिश कलर, जो थोड़ा ना लाइट पड़ी तो ये बर्गंडी कलर लग रहा है, ये वाले वेव वाले पूरा जो मैंने दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं वीडियो में स्टार्टिंग में क्लचर वाले, ये वो उन्होंने भेज दिया है। इसका कलर देखो रेडिश कलर में है, और दूसरा भी ये क्लचर वाला भेज दिया है, ये स्ट्रेट हेयर वाला। गाइज मंगाया क्या था आया क्या, मतलब मेरा ये कहना है कि ये तो बिल्कुल सिंपल हेयर थे, माना वो डमी वाला हेयर, मुझे पहले ही लग रहा था इसमें फ्रॉड होगा। आई स्वेयर मैं बिल्कुल तैयार थी फ्रॉड के लिए, मेरा माइंड मेकअप था कि ये तो ये आएगा ही नहीं 665 रुपीज़ में पूरा ये डमी वाली विग जो दिखा रखी है। चलो उसके बदले मैंने उन्हें कुछ दे दिया भाई। दूसरा तो बिल्कुल सिंपल विग थी 200 रुपये की, स्ट्रेट हेयर वाली ब्राउन कलर की, उसके बदले उन्होंने ये भेज दिया। मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल नहीं समझ आती, जब ऐसा फ्रॉड हो जाता है भाई मत भेजो, ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम रिटर्न तो लेते नहीं हो, फिर रिटर्न में इतना लंबा प्रोसेस करो, कॉल करो, गलत प्रोडक्ट आया, पिक्चर भेजो, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, इसलिए ना मैं फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत हो जाती हूँ यार। सो गाइज दैट्स इट, ये था आज का बहुत सारा हेयर विग का एक्सटेंशन का कलेक्शन फ्रॉम मीशो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या पिक्चर में दिखाते हैं क्या आपको मिलेगा। ये फ्रॉड वाला केस वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी मेरे लिंक से ऑर्डर करना, जेन्युइन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं, उनका भी मैं लिंक डालूंगी, आप वहाँ से मंगा लेना। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि क्या कितने प्राइस में कैसा आता है। और अगर आप चाहते हो हाउ टू स्टाइल, हाउ टू लाइक मेक डिफरेंट डिफरेंट ऑफ हेयर स्टाइल, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आप लोगों के लिए वो जरूर बनाऊंगी। तो प्लीज इस वीडियो में भर भर के कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं यहां बैठी हूं आप सबका प्यार बटोरने के लिए। तो गाइस चलो जल्दी मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टाटा, लव यू, छोले भटूरे खाऊंगी, मम्मी ने बनाए हैं।